नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है नौकरी स्पेन सपनों को दे उड़ान यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की करंट अफेयर क्लास में हम 19 अक्टूबर को जितने भी जो देश विदेश की न्यूज़ हैं उनको एमएसके क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी हमसे लास्ट तक जुड़े रहेंगे। और वीडियो के अंत में एक तो आपसे क्वेश्चन पूछा है करंट अफेयर का, तो सभी साथी से गुजारिश है कि उसका आप आंसर करेंगे। ठीक है, और साथ में सोने ज्ञान डोज के क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे। तो वो क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन से, उनको यहाँ पे क्या है ना ऐड किए जाते हैं क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। यदि वो रिपीटेड होते हैं ना क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में पक्का वो हेल्प करेंगे। तो साथियों आगे बढ़ते हैं आज एक अंटरफे क्लास में। उससे पहले जिन साथियों ने जो कल की जो 18 अक्टूबर की जो क्वीज में जो टॉप 5 में जगह बनाई ना उनके नाम एक बार अनाउंस कर देते हैं। देखिए जो लीडर बोर्ड है हमारा 18 अक्टूबर की क्वीज का, देखिए उनमें जो टॉप पोजीशन पे है ना वो सिमरन पाल है। ये लगातार ये हमारे जो सिमरन पाल जी हैं लगातार कंटिन्यू जुड़ी हुई है और टॉप में फिलहाल जगह बना रही हैं। तो आप इनके जैसे बनेंगे ना, आप डेली करंट अफेयर पे फोकस कीजिए, आपका जो करंट का पोर्शन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें जो टॉप 5 में जो जगह बनाई है वो सिमरन पाल है, सुमन है, जय है, अक्षिता और मुकुल। ये 5 जो साथी हैं ना इन्होंने क्या किया है टॉप 5 में जगह बनाई है। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी साथी यहाँ से कुछ सीखेंगे, क्योंकि एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर आप यदि इतना फोकस कर रही हैं तो आने वाले टाइम में आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आप अपने रैंकिंग में सुधार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 साथियों को यहाँ पे ऐड कर, मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैक्सिमम साथियों को यहाँ पे मैं ऐड करूँ, मेंशन करूँ सभी को। और हमारा जो टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है जिसमें 47,000 जो साथी हैं उनमें भी ये लिंक, ये जो डेस्टिन स्क्रीन शॉट है ये शेयर करूँ। ठीक है, तो सभी साथी से गुजारिश है डेली करंट अफेयर क्लास लेने के बाद उसको PDF को डाउनलोड करने के और याद करने के बाद एक बार डेली करंट अफेयर का टेस्ट जरूर दे। इससे आपका जो बिल्कुल भी जो करंट का थोड़ा सा भी जो डाउट है ना वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर क्लास को, 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने किया है कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के नई जो मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो किन को नियुक्त किया गया है, तो राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है। ये किन का स्थान लेंगे, तो ये रवि शास्त्री का स्थान लेंगे। ठीक है, और जो रवि शास्त्री जी उनका कार्यकाल क्या हो रहा है, जो T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है उसके जस्ट जैसे समाप्त होता है उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जो राहुल द्रविड़ जी है ना इनको 2 साल के अनुबंध के तौर पर इनको रखा गया है और इनको इस दौरान इनको 10 करोड़ रुपए की वेतन के रूप में ये प्राप्त करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने। उससे पहले देखिए जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए किसे दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के नए लोकपाल सह नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया, तो इंदु मल्होत्रा को नियुक्ति प्रदान की गई है। अगला देखिए, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 600 से ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए, कौन बन गए, जेम्स एंडरसन बन गए हैं। 21वीं सदी का सबसे महान क्रिकेटर किसे घोषित किया गया, तो बल्लेबाज की बात करें तो सचिन तेंदुलकर को और गेंदबाज की बात करें तो मुथैया मुरलीधरन को। अगला देखिए, डोपिंग पाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन है, अंशुला राव के डोपिंग पाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर और सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली भारतीय क्रिकेटर शेफाली वर्मा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने जो प्रीवियस जो डेज है मंथ है उनमें ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे वो ऐड किए जाते हैं जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड है, ताकि आपको जो प्रीवियस डेज के जो मंथ के जो क्वेश्चन है वो आपको याद हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हाल ही में भारत की 21वीं जो महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। ठीक है, ग्रैंड मास्टर ऑलरेडी क्वेश्चन हमने बहुत डिस्कस कर लिए, तो आज के में जो जितने ही बने हैं सारे डिस्कस कर लेंगे। देखिए सेकंड का जो करेक्ट आंसर है ना क्या जाए कि ये कौन बनी है, तो ये बनी दिव्या देशमुख। ठीक, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 15 वर्षीय जो दिव्या देशमुख जी है ना, जो ये जो ग्रैंड मास्टर हुआ है ये कहाँ पर हुआ है, हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ है। तो इन्होंने जो ग्रैंड मास्टर में अपना क्या बनाया, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मास्टर के साथ क्या है ये भारत की कौन से बन गए 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं देखिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के अंदर जो अब तक जो ग्रैंड मास्टर बने हैं ना जो इम्पोर्टेंट लेटेस्ट हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे सकते हैं। देखिए हाल ही में भारत के जो 69वें जो शतरंज ग्रैंड मास्टर बने कौन बने, हर्षित राजा बने हैं। ठीक है, ऑल इंडिया शतरंज जो फेडरेशन है उसके अध्यक्ष कौन है, तो संजय कपूर के इनके अध्यक्ष हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो विश्वनाथ आनंद। 70वें पूछ ले तो राजा ऋतुवी के, 69वें पूछ ले तो हर्षित राजा। ठीक है,
और भारत के सबसे युवा पूछ ले तो डी गुकेश, और दुनिया के सबसे युवा पूछ ले तो अभिमन्यु मिश्रा। किस चेस प्लेयर को बीबीसी इंडिया जो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा जाएगा, तो कौन है, तो कोनरू हम्पी को इस अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से एक बार रीड कर लेना, सारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है आप सभी को, देखिए पीडीएफ है ना, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आपको जस्ट ना गूगल में सर्च करना है। देखिए आप इतना तो कर ही सकते हैं, गूगल में आपको सर्च करना है जस्ट नौकरी एस्पिरेंट। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिए, नौकरी NAUKRI, एस्पिरेंट ASPIRANT, आपको जस्ट सर्च करना है। जिस भी डेज को आप विजिट करेंगे ना, यानी आज आप विजिट करेंगे, ठीक है, तो आज को आपको आज की जो करंट अफेयर पीडीएफ मिलेगी, साथ में जो डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो वो विजिट करके ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है कि हाल ही में जोनास गहर स्टोर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, कौन से देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं ये। तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या नॉर्वे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का, जो ऑप्शन सी है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हाल ही में किसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम इंजीनियर इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, तो वर्तिका शुक्ला को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। अगला देखिए, किसे भारतीय को संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो एंटोनियो गुटरेस ने क्षेत्रीय जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सत्य विकास लक्ष्य अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया, किसको, कैलाश सत्यार्थी जी को। ठीक है, जो जो हाल ही में जो अजीज अखनोच किस राज्य के प्रधान किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं ये, तो मोरक्को के ये नए प्रधानमंत्री बने गए हैं। किसे हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन के स्वतंत्र रूप से चुना गया, किसको चुना गया, तो रवनीश कुमार को चुना गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने फोर्थ क्वेश्चन है कि किस भारतीय शहर में देश की पहली जो शहरी रोपवे सेवा शुरू की गई है, तो कौन से शहर में ये शुरू की जा रही है। तो फोर का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे शुरू की जा रही है, तो ये शुरू की जाए वाराणसी के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो देखिए, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि हाल ही में जो है किस राज्य सरकार ने 2032 ओलंपिक या कुछ तो गोद लेने किया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है। अगला देखिए, हाल ही में जारी जो क्राइम रिपोर्ट इंडिया 2020 में हत्या के मामले में किस राज्य ने अव्वल स्थान प्राप्त किया है, तो उत्तर प्रदेश ने इसने अव्वल स्थान प्राप्त किया है। और हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क स्थापित करने का योजना बनाई, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना बनाई गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फैक्ट अच्छे हैं और प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चन है आपसे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब जिन साथियों को देखिए, जितने भी साथी हैं ना, हमारे रिग्गी ऐप पे आप फॉलो कर लीजिए। देखिए, हमारे रिग्गी ऐप पे जो ऑफिशियल चैनल है, जो वेरीफाइड चैनल है, ये जो भी है आप एग्ज़ाम वाइज है। देखिए, यदि आप बैंकिंग स्टूडेंट है, यदि आप डिफेंस की तैयारी कर रही है, या हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं जितने भी साथी हैं, यदि आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या UPSC की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट वाइज कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जितने भी साथी हैं ना, आप सभी हमारे रिग्गी ऐप पे फॉलो कीजिए। रिग्गी ऐप कहाँ से फॉलो करना है देख लीजिए, जितने भी साथी हैं। और हमारा जो ऑफिशियल चैनल है नौकरी एस्पिरेंट, ये हमारा ऑफिशियल चैनल है, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और साथ में जो एग्ज़ाम वाइज जो चैनल बनाए गए, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर के अंदर विजिट करना है। सबसे पहले जैसे ही आप प्ले स्टोर के अंदर विजिट करेंगे, देखो वहाँ पर आपको लिखना है रिग्गी ऐप। रिग्गी ऐप का देखिए ये लोगो, और ये यहाँ से आप इसको डाउनलोड करना है, इसको लॉगिन करना है, जैसे आप टेलीग्राम करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, हमारे जो लिंक दिए गए ना, उन लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, या हमारे लिंक से आप पहले डाउनलोड कर लीजिए, फिर उसके बाद आप विजिट कर लीजिए, तो उन लिंक के माध्यम से आप हमारे सभी चैनल को जुड़ सकते हैं। या फिर आपको वहाँ रिग्गी ऐप के अंदर सर्च करना है UPSC नौकरी एस्पिरेंट, जो भी है हमारे जो ऑफिशियल चैनल है, जिस भी चैनल के अंदर आप जाना चाहते हैं, उसका नेम सर्च करना है और उसका लोगो देखना है, और जो ऑफिशियल है उसी को आपको क्या करना है, उसको ज्वाइन करना है। तो सभी साथी से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँच के अपना जो कंटेंट है किसी भी एग्ज़ाम संबंधी, वो अवेलेबल है, वहाँ पे आप विजिट कीजिए। ठीक है, यदि आपको और रिक्वायरमेंट है तो हमें एक बार कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, या फिर हमें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं रिग्गी ऐप के द्वारा।
ठीक है, तो आप एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। आगे चलते हैं फाइव क्वेश्चन की तरफ। देखो फाइव का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि भारतीय सेना ने जो कैम्ब्रियन जो पेट्रोल अभ्यास है 2021 कौन सा पदक जीता है इसमें, तो इसमें जो सेना ने कौन सा गोल्ड मेडल जीता है। तो फाइव का जो करेक्ट आंसर गोल्ड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात कर, देखिए हाल ही में भारतीय किन सेना अधिकारी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 दिया गया है, तो SV सरस्वती को दिया गया है। अगला देखिए, भारतीय सेना द्वारा किस शहर में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया तो कोलकाता के अंदर इसका आयोजन किया गया है। ऑलरेडी भारतीय सेना प्रमुख को 3 दिवसीय सम्मेलन का 8वां संस्करण आयोजित किया गया, तो ये दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। ठीक है, डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं 6 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए छठा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि किस देश की अंतरिक्ष टीम ने पहली फिल्माने के बाद पृथ्वी पर लौट आई है, तो किस देश की है ये, तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रूस क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ। देखिए इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन की स्थापना है ना 20 नवंबर 1998 में की गई थी। ठीक है, रूस की जो स्पेस एजेंसी वो क्या है, रोस्कोस मोस क्या है वहाँ की एजेंसी है। किस स्पेस एजेंसी द्वारा 15 सितंबर 2021 को इंस्पिरेंस 4 नामक जो स्पेस फ्लाइट लॉन्च किया गया है, तो स्पेस एक्स द्वारा ये लॉन्च की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए 7 का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हाल ही में भारत ने किस देश को 3-0 से हराकर जो 2021 की जो सेफ चैंपियनशिप जीती है, तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसको हराकर, तो नेपाल को हराकर इन्होंने क्या किया, चैंपियनशिप अपने नाम की है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, 7 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए विश्व एथलेटिक्स जो 20 चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, केन्या के अंदर किया गया। तो विश्व एथलेटिक्स जो अंडर जो 20 है चैंपियनशिप में किस महिला एथलीट ने भारत के लिए पहली बार लंबी कूद में पदक दिलाया, तो शेली सिग्नेस में लंबी कूद में पदक दिलाया गया है। और जो NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी बन गए कौन, प्रिंसपाल सिंह क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने करंट के क्वेश्चन डिस्कस किए। आप सभी साथी से जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे 16 की क्लास में 18 की क्लास में वो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। देखिए हाल ही में जारी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन सा स्थान रहा है भारत का, तो इसमें जो स्थान रहा है भारत का कौन सा रहा है, तो इसमें कौन स्थान रहा था, तो 101वां स्थान रहा था, ये आपसे पूछा गया था, बहुत साथियों ने इसका आंसर किया था। आगे बढ़ते हैं, देखिए आज का जो प्रश्न है ना, क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का, क्या है कि हाल ही में किस देश में संयुक्त राष्ट्र वे विविधता शिखर सम्मेलन 2021 शुरू किया गया है, तो कहाँ पर शुरू किया गया है, आपको कमेंट के माध्यम से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, सभी साथी कमेंट के माध्यम से जरूर इसका आंसर करेंगे। अब बढ़ते हैं सामान्यकरण डोज की क्लास की तरफ। देखिए सामान्यकरण डोज में भाई ये 99 की डोज क्लास है। देखिए ऑलरेडी हमने यहाँ 98 डिस्कस कर चुके हैं। देखिए इसमें जो है ना पहला क्वेश्चन क्या है कि गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है, तो किस कारण से गिरगिट की त्वचा का रंग बदलता है, तो उसकी त्वचा में है ना मेलेनोफोर नामक असंख्य जो रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण ये क्या होता है, रंग बदलता रहता है। ठीक है, अगला देखिए सेकेंड का, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो क्यों है, सेलुलोज है। अगला देखिए वृद्धावस्था का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत है, जो जेरोंटोलॉजी के, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला देखिए श्वेत प्रकाश में वर्ण क्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने का कौन सा रंग है, तो कौन सा रंग है सर्वाधिक विचलित होता है, तो बैंगनी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है, तो यानी कि किडनी के काम न करने पर क्या डायलिसिस किया जाता है, ये हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि किसी न किसी एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। अगर ये रिपीटेड होते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। और जिन साथियों ने अभी PDF डाउनलोड करना पता नहीं है, तो वो सभी साथी यहाँ से हमारे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। PDF डाउनलोड करने के बाद 5-10 से 15 मिनट पढ़ने के बाद डेली कंटाफे का टेस्ट अटैम्प्ट करना है, यहीं वेबसाइट पर अवेलेबल है। और जिन साथियों ने सितंबर मंथ की मैगजीन डाउनलोड की है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी साथी जो नए सब्सक्राइबर है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे, ताकि रोज़ 6 बजे डेली करंट अफेयर का जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
ठीक है। और जिन साथियों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया ना, वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे टेलीग्राम टाइप के PDF अवेलेबल है और एग्जाम संबंधी PDF भी अवेलेबल है, तो वो आपको डाउनलोड करके उनको अपने रीड कर सकते हैं और अपनी जो स्टडी को और भी आसान कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी साथी है आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जो भी आपके जो स्टडी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो एक बार शेयर करना तो बनता है। तो साथियों आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।